नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त लखनऊ से है, जहां योगी सरकार यूपी में बनाएगी फिल्म सिटी। तो योगी सरकार ने कहा है, हम बनाएंगे देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हो सकती है नई फिल्म सिटी, और सीएम योगी ने फिल्म सिटी की कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर प्राधिकरण में से किसी एक फिल्म सिटी के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था की जाए। सीएम योगी ने मेरठ मंडल के जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा की और शासकीय योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें अधिकारी, कुछ इस तरह के दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं समीक्षा बैठक में। और स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों में ना हो देरी और दे प्राथमिकता से कार्य करें। मेरठ और गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना महत्वपूर्ण है। गन्ना किसानों का नए सत्र के प्रारंभ के समय कुछ भी ना रहे बकाया, और एक्सप्रेस वे से मिलेगी विकास को रफ्तार, परिवहन व्यवस्था को नई परिभाषा देगा रैपिड रेल का विस्तार। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक बचाव ही कोरोना का उपचार, तो क्षमतावान कार्यदायी संस्था को ही दे। और साथ ही उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस पर नाम के अनुरूप मिले स्थायी समाधान, जनप्रतिनिधियों से परामर्श लेते रहे अधिकारी, विवाद से बचे विकास प्राधिकरण करे संवाद। और सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की, गाजियाबाद और मेरठ स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों को तेजी से किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। मेरठ मंडल के सभी जनपदों में अमृत योजना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करे। मंडलायुक्त स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा भी करें। मेरठ के ग्राम दादरी में राजकीय महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। नोएडा में सफाई कर्मियों और बिल्डर्स बायस की समस्याओं के प्रभावी समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल की समीक्षा बैठक में दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान ये किया गया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे के प्राधिकरण पर फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। और वहीं साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, किसी भी बातचीत को लेकर विवाद हो तो उसको सुलझाएं, संवाद करें, कोई भी यहां पर कंफ्यूजन ना हो। और जनपद गाजियाबाद में भी कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कार्य के निर्देश पूरा करने के दिए गए हैं। सीएम योगी ने मेरठ मंडल में जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और संचालित विकास परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों के लिए सीएम योगी की सराहना भी की और विद्युत उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो इसलिए जनपद और शासन स्तर पर नियमित समीक्षा हो। मंडल के प्रत्येक जनपद में पर्यटन की संभावनाओं वाले स्थलों को विकसित किया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से जन समस्याओं का जल्दी और अच्छे से निस्तारण सुनिश्चित हो। तो कुछ इस तरह की बातें, दिशा निर्देश, आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल की समीक्षा बैठक में दिए हैं। तो शासकीय योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जो भी योजनाएं जिनका लोकार्पण होता है, शिलान्यास होता है, वो लोकार्पण तो हो जाता है लेकिन उसके बाद जनता को कितना फायदा होता है ये भी समीक्षा बैठक में तय करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसकी जानकारी लेते हैं। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारी और साथ ही जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं, यानी कि सांसद, विधायक, नेता जितने भी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं। लगातार पिछले कई समय से मंडलों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये मेरठ मंडल की समीक्षा बैठक है जिसमें कई तरह के विकास कार्यों को लेकर आदेश दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और वहीं मेरठ और गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है, और साथ ही यह भी कहा है फिल्म सिटी को लेकर कि हम देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बनाएंगे, जिसके लेकर कार्य योजना तैयार करने की भी आदेश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। अब देखना होगा ये कि कब तक फिल्म सिटी के लिए प्रस्ताव पास हो जाता है, तैयारी की जाती है, और साथ ही कहां बनेगा, यानी कि तीन जगह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को लेकर कहा जा रहा है कि जहां देखा जाएगा कार्य योजना के अकॉर्डिंग अनुसार कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर फिल्म सिटी बनेगी, देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी, जिसकी तैयारी की बात की जा रही है। कार्य योजना को तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। साथ ही मेरठ मंडल के जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी हुई है और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने को लेकर बात की गई है। जो भी परियोजनाएं होती हैं उसका लाभ हो पा रहा है लोगों को या नहीं हो पा रहा, इस बारे में भी बात की गई है। विद्युत उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो इसलिए जनपद और शासन स्तर पर नियमित समीक्षा हो,
मंडल के प्रत्येक जनपद में पर्यटन की संभावनाओं वाले स्थलों को विकसित किया जाए, संपूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से जन समस्याओं का जल्दी और अच्छे से निराकरण हो, तो ये सारी बातें समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। तो वहीं यूपी में बनेगी सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। फिल्म सिटी के ऐलान पर कंगना रनौत का समर्थन आया है। सीएम योगी के फैसले का कंगना रनौत ने समर्थन किया है। सीएम योगी के ऐलान का मैं स्वागत करती हूं, कंगना का कहना, सीएम योगी के ऐलान का मैं स्वागत करती हूं, हमें एक बड़ी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सुधार की जरूरत है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने यह ऐलान किया है मेरठ मंडल की समीक्षा बैठक में कि देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री नोएडा, ग्रेटर नोएडा में होगी, जिसको लेकर अब कंगना ने भी अपनी तरफ से समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी के फैसले का मैं समर्थन करती हूं, मैं स्वागत करती हूं, हमें वाकई एक बहुत बड़ी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री चाहिए। तो आपको बता दें कि देश में ऑलरेडी 4 इंडस्ट्री है, एक मुंबई में है, चेन्नई में है और हैदराबाद में है, और अब ये नोएडा में होने वाली है, बेंगलुरु में भी है। तो नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जगह जिसको लेकर कार्य योजना की तैयारी की जा रही है, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि तीनों में से जो भी स्थान सुटेबल होगा उसके अनुसार होगा, वहां पर सिटी, फिल्म सिटी बनाई जाएगी। तो यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है और वहीं पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के निर्देश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, सबसे खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री यहां बनेगी, यानी कि यूपी में बनेगी, जिसको लेकर कंगना ने भी अपना समर्थन दिया है। तो एक उत्साह भी देखा जा रहा है, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनकी तरफ से भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये कंगना की तरफ से प्रतिक्रिया आई है जिसमें ये बात कही गई है कि हमें एक बड़ी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत है और जो कि यूपी में बनेगी। इसको लेकर कंगना ने कहा है कि यूपी में जो सबसे खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री बनेगी उसका मैं स्वागत करती हूँ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का ऐलान किया है उससे मैं खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि हमें वाकई एक सबसे बड़ी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत है। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी एक और बयान आया हुआ है। भजन गायक अनूप जलोटा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के ऐलान को लेकर बधाई दी है। अनूप जलोटा ने कहा कि यूपी के टैलेंट की वजह से ही मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तक चमक रही है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि नोएडा में फिल्म सिटी का ऐलान किया गया है और अब इसको लेकर लगातार देखा जा रहा है कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं जलोटा ने, अनूप जलोटा जो कि भजन गायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के ऐलान को लेकर बधाई दी है। योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टूडियो बनाने का निश्चय किया है, फिल्म सिटी बनाने का निश्चय किया है। यह बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश ने कितना ही योगदान दिया है फिल्म इंडस्ट्री में, कितने ही लोगों के कारण आज फिल्म इंडस्ट्री चमक रही है, वो उत्तर प्रदेश की ही है। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूं और योगी जी को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां आज देवीपाटन मंडल के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे देवीपाटन मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। देवीपाटन मंडल में शामिल है गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिला। कल सीएम ने मेरठ मंडल के साथ समीक्षा बैठक की थी। मेरठ समेत कुल 8 मंडलों की समीक्षा बैठकें कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार समीक्षा बैठक हो रही है मंडलों के साथ और अब तक 8 मंडलों के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं और अब देवीपाटन मंडल के साथ समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिला शामिल है। तो विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी जो मंडल के साथ बैठक होने वाली है इसमें, और साथ ही परियोजनाएं जो भी लागू की जाती हैं उनका कितना फायदा होता है, जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या कुछ जरूरतें हैं जो जिले के लिए जरूरत है, लोगों के लिए जरूरत है, जनता के लिए जरूरत है, जरूरतों के हिसाब से उनकी तरफ से प्रस्ताव रखे जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। तो ये चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि इस देवीपाटन मंडल की समीक्षा बैठक में अधिकारी, पुलिस अधिकारी, साथ ही सांसद और विधायक, तमाम तरह के अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में विकास कार्य को लेकर भी चर्चा होगी, समीक्षा होगी जो कि शाम 6 बजे होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवीपाटन मंडल के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
बता दें कि अब तक मेरठ समेत कुल 8 मंडलों के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज शाम 6 बजे देवी पाटन मंडल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विकास कार्य को लेकर चर्चा होगी, कई तरह के मुद्दों पर बात होगी, कोविड नियंत्रण को लेकर बात की जाएगी और जिस तरह की समस्याएं होंगी जनप्रतिनिधियों की तरफ से वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जाएंगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। युवा बहुत हताश है और परेशान है। प्रियंका गांधी ने पत्र लिखकर यह बात कही है कि युवा बहुत हताश है और परेशान है, कोर्ट का चक्कर लगा रहा है बेरोजगार और युवाओं के रोजगार के हक का सम्मान करें। प्रियंका गांधी ने यह पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर बेरोजगारी के मामले को लेकर यहां घेरा है। प्रियंका ने सीएम योगी को खत लिखकर कहा कि युवा बहुत हताश है और परेशान है। खत में उन्होंने लिखा है कि बेरोजगार युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर हो गया है। 12,460 शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत के बाद ये खत लिखा गया है। प्रियंका गांधी ने ये खत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जब बात की है अभ्यर्थियों से उसके बाद लिखा है। कांग्रेस महासचिव ने पत्र में लिखा है कि मानवीय संवेदनाओं और युवाओं के रोजगार के हक का सम्मान करते हुए 24-0 जनपद के अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति करें। तो फिर से एक बार बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को घेरा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज का युवा बहुत परेशान है और हताश है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां लव जिहाद पर बोले मंत्री मोहसिन रजा, साजिश के तहत फैलाया जा रहा है लव जिहाद और यूपी के कई शहरों से सामने आ चुकी हैं लव जिहाद की घटनाएं। कानपुर में युवक ने नाम बदलकर युवती से निकाह किया था। हरदोई में मुस्लिम युवकों ने 2 नाबालिग लड़कियों को फंसाया। तो जिस तरीके से यूपी में पिछले कुछ दिनों से लगातार लव जिहाद की खबरें आ रही हैं और ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम युवक नाम बदलकर युवती से शादी कर लेते हैं, फंसाते हैं, उसी को लेकर अब मोहसिन रजा मंत्री जिन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं और एक साजिश के तहत ये फैलाया जा रहा है। तो लव जिहाद पर मोहसिन रजा ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत ये फैलाया जा रहा है। यूपी के कई शहरों से सामने आ चुकी हैं लव जिहाद की घटनाएं जिसको लेकर अब मंत्री मोहसिन रजा ने भी ये बयान दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार 2-3 महीनों से ये देखा जा रहा है कि बहुत जगहों पर खासकर कानपुर में कई एक ही जगह से जो ही वो इलाका है जहाँ से बहुत सारी घटनाएं सामने आई और देखा गया कि मुस्लिम युवक नाम बदलकर युवती के साथ युवती को फंसाते हैं, उसके बाद निकाह करते हैं और ऐसे में धर्म परिवर्तन के लिए भी उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। और ये भी देखा गया है कि इस पर इतनी सारी खबरें आने के बावजूद भी ये चीजें देखी जा रही हैं कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। वहीं कानपुर में फिर सामने आया है लव जिहाद का मामला जहां पहले से शादीशुदा युवक ने युवती से निकाह किया और मुख्तार अहमद ने राहुल सिंह बनकर युवती को फंसाया। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवती से दोस्ती की, युवती को जबरन घर ले जाकर युवक को लोगों ने पकड़ा और आपको बता दें कि मामले में स्थानीय लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास का ये मामला है। तो कानपुर में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं लव जिहाद के और ये एक और नया मामला सामने आया है जिसमें एक युवक ने अपना नाम बदलकर, यानी कि मुस्लिम वो युवक था जिसने पहले युवती से दोस्ती की और नाम बदलकर ये दोस्ती की है, राहुल सिंह बनकर हिंदू युवती से दोस्ती की, शादीशुदा वो युवक था, झूठ बोलकर युवती से निकाह भी कर लिया, युवक जबरन युवती को घर से लेकर जा रहा था तो आसपास के लोगों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि नौबस्ता थाना के मछलियों में रहने वाले 30 साल के शादीशुदा मुख्तार अहमद ने हिंदू लड़की को बरगलाकर शादी कर ली। लड़की को पहले उसने अपना नाम राहुल सिंह बताया और अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, उसके बाद बरगलाकर घर रखा और 1 साल पहले कोर्ट में उससे शादी भी कर ली। अब लड़की को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। स्थानीय लोगों ने परिजनों के साथ इसका विरोध किया, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राहुल नाम बताया था हमें, हमारी दोस्ती हो गई, दोस्ती फिर पता चला हमें कि मोहनडन है, हमने पूछा
कि ऐसी ऐसी बात हम सुन रहे हैं, या ऐसा सच है? तो कहने लगे हाँ ये बात सच है। तो कहने हमने अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी बेटी ने राहुल सिंह के नाम पे एक लड़के से ऐसे आने जाना आती जाती रही भैया बाहर स्कूल स्कूल में, और हम लोग तो समझ नहीं पाए ना कुछ जान पाए, और उससे प्यार मोहब्बत कैसे का हुआ कैसे नहीं का हुआ हम कुछ नहीं जान पाए। और उसने का किया जब हमको मालूम चला तो हमारे घर में जबरदस्ती उसने आया, हमने कहा भी बाहर से बात करो तो मगर धक्का मुक्का उसने हमारे साथ किया। और इसके बाद में जब मना करने के बाद भी हमने उससे कहा, जब मालूम हुआ हमको कि इन्होंने शादी किया, जब हमने पूछा तो वो भी झूठ बोल गए, वो भी झूठ बोल गए दोनों लोग। और फिर इसके बाद में जब हमने जब हमें बिल्कुल हकीकत पता चली इधर उधर से कहीं। हरदोई से खबर है जहां पर हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने प्रेम जाल में फंसाया। शादी और रोजगार का झांसा देकर छत्तीसगढ़ से लड़कियों को बुलाया गया। संडीला के काशीराम कॉलोनी में लड़कियों को बंधक बना लिया। मुस्लिम लड़कों ने लड़कियों से रेप का प्रयास भी किया और जेवर रुपए भी छीन लिए। तीनों हिंदू लड़कियों में से दो लड़कियां तो नाबालिग हैं। बजरंग दल के हस्तक्षेप से मुक्त कराई गई है लड़कियां और लड़कों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। आरोपी के नाम बदलकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। तो आरोपियों ने नाम बदलकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। छत्तीसगढ़ की ये लड़कियां थी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मामले को लव जिहाद बताया है। तो लड़कों के विरुद्ध मामला भी दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई अब की जा रही है। तो हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं के संज्ञान में आया कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर से तीन हिंदू लड़कियों को, जिसमें से दो नाबालिग थी और एक बालिग थी, इन लड़कियों को हिंदू नाम बताकर मुस्लिम लड़कों के द्वारा बहला फुसला कर यहाँ लाया गया, जिसके बाद जानकारी मिली और उन लड़कियों को पता चला कि ये हमारे साथ छल किया गया है, जिसके उपरांत उन्होंने इन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई और अपनी शादी हिंदू समाज में करने का आग्रह हम लोगों से किया, जिसपे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूर्व से ही काम करता चला आ रहा है और इन लोगों का पुनरोद्धार का कार्य विश्व हिंदू परिषद करेगा और इन्हें हिंदू समाज में इनका विवाह कराने का काम करेगा। अगर ये लोग इच्छुक रहेंगी तो वहां कराएगा, नहीं तो इन्हें नारी निकेतन भेजने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जनपद संडीला करेगा। तो शराब पिलाकर महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गोंडा से चार युवकों ने महिला से गैंगरेप किया और बच्चों संग ससुराल से मायके आई हुई थी महिला। गन्ने के खेत में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप करने के बाद चारों युवक फरार हो गए। होश आने पर महिला ने अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गोंडा के खोड़ारे थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। मेरे साथ गंदा हरकत किए चार लौंडे ने। गांव के थे, मायके में गई थी भाभी के घर। भाभी के घर से वापस आ रही थी ससुराल में। उधर रास्ते में बैठ गई मैं बच्चों के साथ में। उधर चार लौंडे थे गांव के, मेरे मायके के, मेरे पीछा कर लिए। वहां मुझे दारू शराब जबरदस्ती पिला के गन्ने में मुझे उठा के ले गए, मेरे साथ बुरा काम किए। जौनपुर से दिल दहलाने देने वाली वारदात एक सामने आई है जहां पर सरयां बाप बेटे को गोली मारी गई है। खौफनाक अंजाम का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जौनपुर जिले में चरम पर अब अपराधी घटनाएं हैं। दबंगों में कोई खौफ नहीं दिख रहा पुलिस का। आए दिन जिले में अपराध बढ़ता जा रहा है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, बाप बेटे को गोली मारी गई है। तो दबंगों में कोई खौफ अब पुलिस का नहीं रहा है, इस वीडियो से तो ये साफ नजर आ रहा है। दिन दहाड़े बाप बेटे को गोली मार दी गई है। दबंगों ने ये गोली मार दी, हाथा पाई के बीच गोली मार दी गई बाप बेटे को। लखनऊ से खबर है जहां मकान बचाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची मुख्तार अंसारी की भाभी और डालीबाग में अपने मकान के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट पहुंची है फरहत अंसारी। एलडीए की तरफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट पहुंची सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई है रिट याचिका। फरहत अंसारी की याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी। याचिका यहाँ पर फरहत अंसारी ने प्रकरण में एलडीए और जिला प्रशासन की कार्रवाई को बताया है और एलडीए ने फरहत अंसारी के डालीबाग के मकान का नक्शा निरस्त करने के लिए नोटिस दिया है।
तो वहीं कोऑपरेटिव बैंक में 100 करोड़ का फ्रॉड का मामला सामने आया। सहकारिता के सहायक आयुक्त ने एफआईआर दर्ज कराई है। 24 बैंक अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 2017 में आरबीआई ने बैंक लाइसेंस रद्द किया था। वित्तीय अनियमितताओं पर यह कार्रवाई हुई थी। 6 शाखाओं में 37,000 से ज्यादा खाता धारकों की 100 करोड़ की धनराशि डूबी। थाना कोतवाली क्षेत्र के महामेदा कोऑपरेटिव बैंक का ये पूरा मामला है। उन्नाव से खबर है, जहां पर भू माफिया बेलगाम होता जा रहा है। हथियारों के दम पर किसान के अपहरण का यह प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़कर जमकर पिटाई की। अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। ग्रामीण बदमाशों को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। गंगा घाट कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गोविंद प्लाजा और बड़े बाजार में छापामारी कार्रवाई की है। छापामारी में करीब 50 किलो से ज्यादा चरस और गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को धर दबोचा है। 2 ट्रक और 3 तमंचे समेत कई पैकेट चरस और गांजे बरामद किए गए हैं। लाल कुर्ती थाना क्षेत्र के गोविंद प्लाजा और बड़े बाजार में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।